गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कोविड-19 के चलते हमारी स्पेशल वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज आप सबके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। अब सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह कि इस पोम का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेस क्या है और ये किस बैकग्राउंड पे बनाई गई है। तो सबसे पहले आइए जानकारी हासिल करते हैं कि स्टीफन स्पेंडर कौन है। एक ब्रिटिश ऑथर, जन्म इंग्लैंड में हुआ, लंदन में पले बढ़े। उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय इंडिया में भी बिताया, स्पेसिफिकली तमिलनाडु में, चेन्नई में वो बहुत समय तक रहे और वहीं पर उन्होंने हमारे देश के एक बड़े डिवाइड को महसूस किया कि एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत रिच हैं, फाइनेंशियली वेल टू डू हैं, तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, उनको दुनिया भर की फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आप अपने स्कूल्स में देखते होंगे। मतलब यू हैव वेल मेंटेन्ड वेल टू डू क्लासरूम्स विद बेंचेस विद ऑल द फैसिलिटीज दैट यू कैन एंजॉय। आपको अच्छा फूड मिलता है, अच्छा एम्बियंस मिलता है, अच्छे टीचर्स मिलते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टीचर्स मिलते हैं। जबकि अब हम चले जाते हैं एक ऐसी परिस्थिति में जहां पे एक स्लम है। बेसिकली स्लम मींस इम्पॉवरिश्ड एरिया, ऐसा इलाका जहां पे गरीब बच्चे होते हैं। तो ऐसी जगह पर हालात बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो क्लासरूम्स शेबी हैं, टूटे फूटे हैं, मेंटेन नहीं है, आपको मकड़ी के जाले दिखेंगे, वहां पे साफ सफाई नहीं है, कलर नहीं किया हुआ है, बोर्ड्स टूटे फूटे हैं, डैमेज हैं, या कई बार तो ऐसे भी आपने क्लासरूम्स देखे हैं कि सड़क के किनारे एक बोर्ड खड़ा कर दिया जाता है और बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं। छत ही नहीं है, दीवारें तो छोड़ी दीजिए, बेंचेस नहीं है, जमीन पर बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। तो हम जो एक तो कैसे कह सकते हैं कि पर्पल दुनिया हमारी जीते हैं, पर्पल कलर की दुनिया जो हम देखते हैं कि जहां पर सब कुछ अच्छा 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 दिखता है, उसी के साथ को एग्जिस्ट करती है ऐसी दुनिया जहां पर सब कुछ अच्छा नहीं है। तो स्टीफन स्पेंडर ने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये पोयम की रचना की है। तो स्टीफन स्पेंडर क्या कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, यहां पे देख लीजिए एलिमेंट्री का मीनिंग होता है बेसिकली बेसिक प्राइमरी एजुकेशन। तो वो बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, इम्पावरिश एरिया में रहते हैं, जहां पे गरीब लोग रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं, वो हमारी जैसी स्ट्रांग लाइफ से दूर है, फुल ऑफ एनर्जी नहीं है, उनके अंदर एक तरह से थकान है। वो बेचारे दिन में पढ़ाई करते हैं, सुबह को फिर नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको रात को होमवर्क करने का समय नहीं मिल पाता है, उनकी जिंदगी बदतर है। आपने अक्सर देखा होगा ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उसके साथ साथ वो लोग अलग अलग छोटी छोटी नौकरियां भी करते हैं। कोई अपने पापा को ठेले में हाथ डलवाता है तो कोई चाय की किटली पे काम करता है। बेसिकली इनकी जिंदगी जो है वो एनर्जी से दूर है। इनको कंपेयर किया गया पोयम में रूटलेस वीड्स के साथ। ये रूटलेस वीड्स क्या होते हैं बेटा? ऐसी घास जो उग आती है आपके पेड़ पौधों में, जो उसकी कोई जरूरत नहीं है, अनवांटेड ग्रास, तो उसको कोई रखने को तैयार नहीं होता, उसको हर कोई उखाड़ के फेंक देता है, समझे बेटा? तो इन बच्चों की परिस्थिति बहुत कठिन है, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, इनके जो रूम्स है वो शैबी है, डार्क है, वो बच्चे बीमार से दिखते हैं, कमजोर से दिखते हैं, माल नरिश्ड है, भूख से परेशान है, उनको कभी दो वक्त का ठीक से खाना नहीं मिलता। तो उनकी परिस्थिति कैसी है? उनका चेहरा जो है फीका है, पेल फेस, उनका चेहरा देख के आपको पता चल जाएगा ये बच्चा कुपोषित है, इसको खाना ठीक से नहीं मिलता है, उसकी आंखें चूहे जैसी हैं, रैट साइज। अब यहां पे रैट आई से दो चीजें बताने की कोशिश की गई है, बेसिकली पहला क्योंकि वो कमजोर है, दूसरा आपने कभी देखा होगा चूहा एक जगह रुकता नहीं है, वो खाने की सर्च में रहता है, सो इट इंडिकेट्स हंगर, सर्चिंग फॉर फूड। ये बच्चे जो है ये दवाइयां ना मिलने के कारण, वैक्सीनेशन ना होने के कारण, प्लस गंदगी होने के कारण कई सारी बीमारियां विरासत में हासिल कर लेते हैं। हमारे देश में भगवान की दया से और सरकार की मेहनत से पोलियो को अब इरेडिकेट कर दिया गया, लेकिन मैक्सिमम पोलियो के जो केसेस हुआ करते थे वो स्लम्स में हुआ करते थे। अनहाइजीनिक एनवायरमेंट, अपने माँ बाप से उनको बीमारियां गिफ्ट में आ जाती। तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया, हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अब स्टीफन स्पेंडर जब इंडिया में आए थे तो तब उन्होंने पोलियो से ग्रस्त उस बच्चे को भी वहां पे देखा था, समझे बेटा? इसीलिए उसको कहा गया है हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ये बीमारी उसको विरासत में मिल गई है, सक्सेसर ऑफ अ डिजीज। नाउ स्लैग हीप, उनके घरों के आसपास, उनके क्लासरूम के आसपास
कचरे के और वेस्टेज के ढेर देखने को मिलते हैं, उनकी जिंदगी उसी कचरे के ढेरों में बीतती है। यहां से आप कोरिलेट कर पाते होंगे हमारे लॉस्ट स्प्रिंग यूनिट को भी, उसमें भी हमने एक स्लम सीमापुरी के बारे में बात की थी जहां के बच्चे कचरा चुनने का काम करते हैं। तो इन अ वे स्टडीज कनेक्टेड विद ईच अदर। आपका यूनिट 2 लॉस्ट स्प्रिंग भी अंडर प्रिविलेज बच्चों के बारे में बात करता है, और आपका पोम 2 एन एलिमेंट्री क्लासरूम एलिमेंट्री स्कूल ऑफ क्लासरूम इन अ स्लम, वो भी अंडर प्रिविलेज बच्चों के बारे में बात करता है। एक और चीज है कि इन बच्चों के पास फैसिलिटीज नहीं है, इनके पास जीवन जीने की फैसिलिटीज बहुत कम है। खाना ठीक से नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, सैनिटेशन नहीं है, तो वो बीमार है, उनके लिए कुछ भी क्लियर नहीं है, जिंदगी धुंध से भरी हुई है। दो रीजन इसके लिए, एक तो इनको पता नहीं कि इनका फ्यूचर क्या होगा, डिजाइन करने वाला फ्यूचर कोई है नहीं, कोई इंकरेज करने वाला है नहीं, माँ बाप भी पढ़ाई किए नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भी उनको हेल्प नहीं कर सकते। प्लस आपने देखा होगा मेजोरिटी स्लम्स के आसपास फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती है, तो वो धुआं भी उनकी जिंदगी को बदतर बनाता है। हमने यूनिट 2 में ही पढ़ा कि कैसे फिरोजाबाद के बच्चे 18 साल की उम्र अटेंड करने से पहले आंखें खो देते हैं, कैंसर के मरीज हो जाते हैं। क्यों हो जाता है वो? क्योंकि वहां पे स्मोक है, वहां पे धुंध है। ठीक है बेटा, उनकी जो उनका जो आसमान है उसका कलर लेड से भर जाता है। लेड बेसिकली एक तरह का केमिकल है जो ग्रेश कलर का होता है, तो उनका जो आसमान है वो लेड से भर जाता है। यहां पे एक और चीज बताई गई है कि वो बच्चे के लिए उसका क्लासरूम ही उसका सब कुछ है, मतलब एक सिंगल बोर्ड पे एक सिंगल टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, उसको ज्यादा कुछ नॉलेज मिल नहीं पाता है, एक ही टीचर उसको नॉलेज इम्पार्ट करता है, उसको हमारी तरह प्रोजेक्टर्स पे टीचिंग नहीं मिल पाती है, डिजिटल टीचिंग नहीं मिल पाती है। आप सब सोचिए COVID-19 के चलते हम सब लोग लॉकडाउन में हैं। अब जिन बच्चों के पास ये फैसिलिटी है कि वो लोग अपने मोबाइल फोन पर हमारे वीडियोस देख पा रहे हैं, लेकिन सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, जिनके गांव में बेसिक इंटरनेट ही नहीं है, उन बच्चों की पढ़ाई तो रुक गई। आप सब लोग 12th स्टैंडर्ड के हैं राइट नाउ, आप पिछले लगभग 50 दिन से पढ़ रहे हैं, ये हमारी टीचिंग का 52nd डे है, 52 दिन हो गए हमको पढ़ाते हुए। 52 डेज में हमने कई सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवा दिए, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। तो उनके पास जो दुनिया है वो हमसे एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। इसीलिए पोएट फिर एक और फ्रेज ऐड करते हैं कि शेक्सपियर इज विकेड। विकेड का मतलब होता है बेसिकली दुष्ट। अब ऐसा क्यों कहा पोएट ने कि शेक्सपियर इज विकेड? आप शेक्सपियर की जितनी भी कहानी आप पढ़ेंगे ना बेटा, वो रॉयल फैमिलीज की कहानियां होती है, चाहे मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो, रोमियो जूलियट हो, हैमलेट हो, मैकबेथ हो, थेलो हो, जितनी भी कहानी आप शेक्सपियर की पढ़ेंगे उन सब में रिच एंड रॉयल फैमिलीज के बारे में बात की जाती है, लेकिन गरीब बच्चों के बारे में उन्होंने कभी बात की ही नहीं। उनके सारे ड्रामास जो है वो रॉयल फैमिली को सेंटर में करके बनाए गए हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि शेक्सपियर विकेड है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी कहानियों में गरीब लोगों के बारे में, गरीब बच्चों की परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपने अक्सर देखा होगा, इवन आजकल आप फिल्में जो देख रहे हैं, दे रेयरली टॉक अबाउट पुअर पीपल। आप जितनी भी मूवीज आजकल देख रहे हैं उसके अंदर दे टॉक अबाउट लाइफ ऑफ रिच पीपल। अमीर लोग बड़े बड़े मॉल्स में घूमते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, लेकिन स्लम्स में रहने वाले गरीब बच्चों के बारे में जैसे हम इग्नोरेंट हो गए हैं, हमने सोचना ही बंद कर दिया, हमने देखना ही बंद कर दिया है। ज्यादा दूर नहीं है हमसे बेटा, हर पॉश एरिया के पास एक स्लम है। आप चले जाइए एसजी हाईवे के बिल्कुल पास एक स्लम है, आप चले जाइए ड्रैगन रोड हिमालय मॉल के पीछे की तरफ स्लम है, आप चलिए अल्फावन मॉल उसके बिल्कुल बाजू में जीएमटीसी ग्राउंड के पहले स्लम है। हर जगह पर, मुंबई हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल, सबसे ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स, सबसे करोड़पति अरबपति लोग वहीं रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारा भी, वो भी मुंबई में। तो ये को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि हमने देखना बंद कर दिया है। मैंने ये चीज उस वक्त भी एक्सप्लेन की थी जब मैंने आपको लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ाया था कि इंडिया के अंदर एक सिंगल कंट्री नहीं है, 2 कंट्रीज रिजाइड इन इंडिया, 2 कंट्रीज जीती हैं, एक तरफ इंडिया है, दूसरा है भारत। भारत वो इलाका है जो डेवलप नहीं हो पाया है, कमजोर है, तो वो बच्चे जो है वो तरस रहे हैं, अट्रैक्ट होते हैं इस ब्यूटी को देखकर, इस वैभव को देखकर, इस पैसे और अमीरी को देखकर, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनको सिर्फ झूठ बोला जाता है, उनसे फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं। जब पॉलिटिशियंस इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं तो इन झोपड़पट्टी वालों से कई वादे करते हैं कि हम तुम्हें मकान दिलवाएंगे, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता।
ये स्लम्स के लोग स्लम्स में ही रह जाते हैं, ना इनको नौकरी के प्रॉपर मौके मिल पाते हैं, ना इनको ग्रोथ के प्रॉपर मौके मिल पाते हैं, एजुकेशन महंगा हो चुका है तो दे आर नॉट एबल टू यू कैन से स्टडी एट द हायर लेवल, इनके पास गाइडेंस की कमी है और ये पॉलिटिशियंस इनका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर करते हैं। आप लोग नोटिस करिएगा जितने भी दंगे होते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि पॉश इलाकों में दंगा हुआ हो, दंगे हमेशा ये लोग करवा देते हैं स्लम्स में, स्लम्स में ही दंगे हो जाते हैं। तो बेसिकली इनका एक टूल के तौर पे यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इसके अंदर एक और चीज है कि उनको जिंदगी के सुख मिलने तक नसीब नहीं है, उनको लेफ्ट ओवर आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी के पुराने जूते, किसी के पुराने चश्मे, किसी के पुराने कपड़े, किसी के पुराने बुक्स, यहां तक कि इन बेचारों के पास पहनने के लिए अपने खुद के कपड़े तक नहीं है, किसी और के बोरो किए हुए बुक्स, क्लोथ्स, शूज, चश्मे पहनकर ये लोग पढ़ रहे हैं जो उनके ऊपर फिट नहीं होते, उनके साथ एडजस्ट नहीं होते हैं। और ये सब बदलेगा नहीं तो क्या होगा? देखो बेटा, रेवोल्यूशन जो होता है ना वो तब पनपता है जब इंसान के सहने की एक लिमिट आ जाती है, एक स्प्रिंग हो, आप उसे दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए, जब आप उसे मैक्सिमम प्रेशर दे चुके होंगे तब वो स्प्रिंग रिवोल्ट करेगा, और जब वो रिवोल्ट करेगा तो आपको उछाल फेंकेगा बाहर की तरफ। आज हमारे देश में भी ऐसी परिस्थिति पनप रही है कई जगह पर, गरीब लोगों को अधिकार नहीं मिलते, वो परेशान है, वो नाराज है, और ये एक रिवोल्ट को भी पैदा कर सकता है। तो अगर हमें उसे रोकना है तो किसको उसके बारे में सोचना पड़ेगा? सोसाइटी के बारे में। नाउ सोसाइटी इंक्लूड्स ऑफ गवर्नमेंट, इंटेलेक्चुअल्स एंड विजिटर्स लाइक अस। तो अगर गवर्नमेंट, बुद्धिजीवी लोग और हमारे जैसे साधारण लोग इन बच्चों के बारे में कुछ करेंगे नहीं, इनको सही रास्ते पे लाएंगे नहीं, इनको सही रास्ता दिखाएंगे नहीं, तो एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा? एक रिवोल्ट होगा, और वो रिवोल्ट किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं होगा। उसके चलते वो बच्चे भटक सकते हैं, गलत रास्तों पे जा सकते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स के हाथ में चले जा सकते हैं, गुंडा तत्व बन सकते हैं, दादागिरी में उतर सकते हैं, क्राइम की दुनिया में जा सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जाना नहीं चाहता उस तरफ, लेकिन सही आदमी अगर रास्ता नहीं दिखाएगा तो गलत आदमी रास्ता दिखा देगा और वो बच्चा गलत रास्ते निकल पड़ेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बच्चे भी भारत के बच्चे हैं, इनकी भी परवरिश करना हमारी ही जिम्मेदारी है। आप सब लोग अगर एक कोशिश करें कि इन बच्चों की जिंदगी बेहतर बनानी है तो आपको क्या करना चाहिए? आप में से कईयों का सजेशन होगा कि सर इनको बहुत सारा पैसा दे देना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज द वेपन दैट कैन डिस्ट्रॉय एवरी इविल ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन वो वेपन है जिससे समाज के हर दुर्गुण को खत्म किया जा सकता है। तो हमें और कुछ नहीं करना है, इन बच्चों को एजुकेट करना है, इनको वेल लिटरेट वेल लर्नड बनाना है, अच्छा सिखाना है, अच्छा तैयार करना है, और इनको जिंदगी में सही और गलत का फैसला करना सिखाना है। अगर ये बच्चे सही और गलत का फैसला करने में सक्षम हो गए, अगर ये बच्चे अपने लिए अच्छा जॉब, अच्छा करियर, अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में कामयाब हो गए, तो एक जनरेशन नहीं, आने वाली कई जनरेशन तक हमारे देश की ये समस्या सॉल्व हो सकती है। एक स्लम एक देश या एक शहर में चेहरे के ऊपर एक बदनुमा दाग की तरह है, लेकिन याद रखिएगा दाग का इलाज उसको ठीक करके किया जाता है, उसको और खराब करके नहीं किया जाता है। तो आपको उसको ढकने की भी जरूरत नहीं है, मेकअप करने की भी जरूरत नहीं है, आपको उसे मिटाना है। और मिटाने का तरीका ये नहीं है कि आप उसको और खराब होने, मिटाने का तरीका ये है कि हम उसे हील करें। अगर हमारी बॉडी में कोई जख्म होता है तो हम उसे हील करते हैं, उसको स्टिचेस देते हैं, उसके ऊपर मरहम लगाते हैं, ना कि उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं। तो इन बच्चों की हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हम उनके बारे में सोचें, हम उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें? नहीं तो जैसे मैंने कहा एक रिवॉल्ट होगा और वो अच्छा नहीं होगा। उन बच्चों की ख्वाहिशें कैसी हैं? वो भी एक पंछी की तरह है, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, जहां पे आप वर्ड देख सकते हैं अज्योर है, अज्योर मीन्स एंडलेस ब्लू स्काई, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, ग्रीन फील्ड्स में वो जाना चाहते हैं, वो भी अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप थोड़ा हिस्सा किसी ऐसे इंसान को दें जिसके पास बिल्कुल नहीं है। गांधी जी कहते हैं दिस वर्ल्ड इज लार्ज इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट इट इज टू स्मॉल टू सेटिस्फाई इवन वन मैन्स ग्रीड। तो इंसान को लालची नहीं बनना चाहिए, उसको समय समय पर अपने साथ साथ दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपके पास अगर कोई भी चीज एक्सेस है,
और अगर उसका थोड़ा हिस्सा आप किसी को दे दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम एजुकेशन के मामले में तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। किसी बच्चे की स्कॉलरशिप पे कर दीजिए, किसी बच्चे के लिए समय निकालकर उसे पढ़ा दीजिए, और कुछ मत करिए, उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर दीजिए ताकि उनकी जिंदगी बेहतर बन सके। आज के लेक्चर में हमने जाना कि कैसे इन अंडर प्रिविलेज बच्चों की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है और कैसे हम उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। इस लेक्चर का PDF आपको इसी लेक्चर के साथ अटैच मिल जाएगा। आप सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं ये अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़े, मार्च में जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।